हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बी योरसेल्फ। और मैं हूँ ज़ेबा। आज हम करने वाले अपने फेस पे एक और फेशियल, ये होने वाला है हाइड्रा फेशियल। इसके बारे में मैंने बहुत सुना है और ये भी पता है कि ये बहुत कॉस्टली है। तो हाइड्रा फेशियल क्या होता है? बहुत सारे वाइटामिन हमारे फेस में दिए जाते हैं। सो एक मेडिकल प्रोसेस है जो डॉक्टर के थ्रू किया जाता है, बट इसे हम करने वाले हैं आज हमारे घर पे। बेसिकली हमें सारे वाइटामिन चाहिए जिसे हम अपने फेस में दे सकें। सो हम सारे वाइटामिन यूज़ करने वाले हैं और बहुत कम प्रोडक्ट के साथ और बहुत अफोर्डेबल तरीके से हम इसको करेंगे। और जो सारे प्रोसेस सेम होते हैं, इसमें क्लेंजिंग होती है, स्क्रबिंग होती है, लास्ट इज हमारा मास्क होता है। एक्चुअली उसमें वो लोग मास्क नहीं लगाते जो मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रही हो यार, अभी जाके सब्सक्राइब करो। अच्छा, वीडियो देखने के बाद कर देना, एंड लाइक और शेयर ऑल्सो। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे योगर्ट, यानी कि दही। इसमें क्या होता है? इसमें वाइटामिन डी होता है। तो नेक्स्ट हमें चाहिए वाइटामिन ई की कैप्सूल, जो कोई भी मेडिकल स्टोर पे आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। नेक्स्ट इज ऑरेंज जूस, इसमें होता है वाइटामिन ई। और उसके साथ चाहिए हमें ग्लिसरीन, जो हमारे मॉइस्चर को अच्छे से लॉक करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। नेक्स्ट इज एलोवेरा, और यहाँ पे है ये मेरे पास, ये सूजी, जिससे हम करने वाले हैं एक्सफोलिएशन। और मैंने इसको 1 घंटा पहले भिगो के रखा था, तो बिल्कुल भी हार्श नहीं होने वाला है, पेनफुल बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको नहीं लगेगा कि आपके फेस पे चुभ रहा है और अच्छे से हमारे फेस को एक्सफोलिएट कर देगा। एंड लास्ट इज बैंडेज, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत इजीली 10-12 रुपए की मिल जाएगी। सो अपना प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट हमारा प्रोसेस है क्लिनजिंग। उसके लिए हमें चाहिए, तो स्टेप वन होने वाला है हमारा क्लिनजिंग। उसके लिए हमें चाहिए योगर्ट। मैं 2 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट ले लूँगी। एंड इसमें चाहिए हमें ऑरेंज जूस, जो मैं सेम 2 टेबल स्पून लूँगी। और इसको करना है अपने अच्छे से मिक्स। सो मैंने मिक्स कर लिया है और ये कुछ ऐसा सा क्लेंजिंग हमारा बन गया है। और मैंने अपने बैंडेज को इतना छोटा सा काट लिया है, मैं इसको थोड़ा सा एक बॉल की तरह बना लूँगी। ये आपकी स्किन को बिना किसी हार्म के अच्छे से क्लेंज कर देगा। तो आपने 2-3 मिनट, 2-3 मिनट नहीं, 1 मिनट बहुत है, इसको इसमें डिप करके रखना है और उससे हम क्लेंजिंग करेंगे। हल्का सा मैस हो जाएगा, वेस्ट, और हम इससे अच्छे से अपने फेस की क्लेंजिंग कर लेंगे बहुत आराम आराम से। अपने बैंडेज को सूखने ना दें, उसको वेट रखने के रखते रखते ही करें। सो 4 से 5 मिनट क्लेंजिंग करने के बाद आपने क्या करना है? आप हमारा जो थोड़ा बहुत पेस्ट बच गया होगा, आपका भी बच गया होगा, तो उसमें हमने क्या करना है, 2 टेबल स्पून ऑफ सूजी डालनी है। इससे क्या होगा, हमारा स्टेप 2 स्क्रबिंग वो होगी। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हैंड से ही अपने फेस का एक्सफोलिएशन करेंगे। अच्छे से एक्सफोलिएशन हो जाएगा विदाउट एनी पेन। जो ब्लैकहेड्स होते हैं ना, किसी किसी के ब्लैकहेड्स ना बड़े ढीठ होते हैं यार, उन्होंने जाना ही नहीं होता, उन्होंने रहना है वहीं पे, वो भी जरूर चले जाएंगे। तो सूजी से अच्छे से हम अपने फेस का एक्सफोलिएशन करेंगे। बट आपने अपने फेस को वॉश नहीं करना, उसी के ऊपर हम एक्सफोलिएशन करेंगे। मेक श्योर आपके फेस पे कोई मेकअप कुछ ना हो, अदरवाइज उस फेशियल का कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। और आपको लगे कि स्क्रब कम लग रहा है तो आप 1 टेबल स्पून ऑफ सूजी और ऐड कर सकते हैं। बिकॉज सबकी स्किन सेम नहीं होती है ना, किसी की थोड़ी हार्ड है, किसी की थोड़ी। और ये फेशियल ऑल स्किन टाइप कर सकते हैं। आपकी स्किन ऑयली है, ऑयली है, ड्राई है, नेचुरल है, जैसे भी है, हर कोई कर सकता है। तो अच्छे से हम अपने फेस की मेक श्योर आपने बहुत आराम आराम से करना है। अपने हैंड, हार्ड हैंड बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। और जब आप इसे करें, मेक श्योर कि आप अपने बाथरूम में करें, अदरवाइज आप जहाँ बैठे हैं ना, वो सब कुछ मैस होने वाला है। 4 से 5 मिनट तक अच्छे से आप अपने फेस का एक्सफोलिएशन करें। अच्छे से मसाज करने के बाद अपने फेस पे इसको ऐसे ही रहने दें, वॉश बिल्कुल भी ना करें। लास्ट हम बनाने वाले हैं अपना सुपर हाइड्रेटिंग पेस्ट। सबसे पहले हम लेंगे ऑरेंज, 4 टेबल स्पून, जितना आपका बचा है आप सब ले लें। सो नेक्स्ट हम लेंगे योगर्ट,
टू टेबलस्पून। नेक्स्ट हम लेंगे ग्लिसरीन, हमारे फेस के मॉइस्चर को अच्छे से लॉक कर देगी, और विंटर में ग्लिसरीन आपके पास होना ही चाहिए गाइज। सो वो लेंगे हम वाइटामिन ई की कैप्सूल। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप 4 लें, अदरवाइज 2 में आपका काम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 2 लूँगी। एंड लास्ट इज एलोवेरा, तो मैं यहाँ वाव का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी पतंजलि या कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये लूँगी मैं 2 टेबलस्पून। आप जब इसको मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद आप देखोगे ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा, मतलब दही अलग हो जाएगी, जस्ट वाटर वाटर अलग हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, मैंने जो हमारा बैंडेज था उसको मैंने कट कर लिया है, तो इसको हम पहले अपने इसमें डिप कर देंगे। मेक श्योर कि आप वाटर में ही डिप करें, और अदरवाइज़ आप उसको वाटर को अलग निकाल के भी रख सकते हैं। सो इसको क्या करना है आपने, इसको लगाना है हमने हमारे फेस पे लाइक दिस। पंद्रह से 20 मिनट हम इसको ऐसे ही रखेंगे, और आपको अगर आपको ड्राइनेस फील हुई तो वाटर हमारे पास है, इसको लेके हम एक बार और अपने फेस पे अपने बैंडेज के ऊपर एक बार और उसको अच्छे से वेट कर देंगे। इसको आपने 15 से 20, आप टोटल करके आप कम से कम आधा घंटा इसको अपने फेस पे ऐसे रहने दें। सो मेरा बैंडेज हो सूख गया है, तो हम इसको निकाल लेते हैं एक बार, तो मैं कर लेती हूँ अपने फेस को वॉश, इसके बाद हम आपसे मिलती हूँ। गाइज आप ग्लो देख सकते हैं मेरे फेस पे, तो मैं वॉश करके आती हूँ। सो आई वॉश्ड माई फेस एंड यू कैन सी द ग्लो ऑन माई फेस गाइज। सो गाइज ये थी आज की मेरी वीडियो, आप प्लीज़ इस फेशियल को ट्राई करें, आप एक बार में बहुत खुश होंगे इससे, आपको कोई शिकायत नहीं होगी इस फेशियल से। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू। और अगर आपको ये फेशियल अपना ऐसे लॉक करके रखना है, तो आप इसको मंथ में 3 टू 4 टाइम आप इसको करें, और ये एक बढ़िया सा अच्छा सा ग्लो दे देगा आपको लाइक मी। सो थैंक यू, बाय।